स्टोन क्रैशरों पर लगाए गए रोक के मामले में बड़ा अपडेट है। हिमाचल में रेत और बजरी महंगा हो गया है। पंजाब से आ रहे मटेरियल से हिमाचल के राजस्व को नुकसान हो रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को इस बाबत खत लिखा है। सड़कों की टायरिंग और निर्माण का काम रुका हुआ है। NHPC के अधिकारियों ने भी उद्योग मंत्री से बात की थी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया, इसके बाद उन्होंने कहा कि आपदा के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने रोक लगाई थी। किया गया था मैनिंग को, जो ब्यास के इर्द-गिर्द किया गया था वो डिजास्टर मैनेजमेंट ने किया गया था, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने नहीं किया गया था। जो आप बात कह रहे हैं कि मटेरियल की स्कर्सिटी है, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, ये सत्य है। और मुझे विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कल भी मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने लेटर भी लिखी है, क्योंकि मंडी कुंडू और कांगड़ा में PDD को जो मेटलिंग टारिंग ऑफ रोड्स है उनका काम खड़ा हो चुका है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत किया है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। Phase 2 का जो प्रोजेक्ट है उसकी टनलिंग का काम खड़ा हो चुका है। और लगभग उनका कहना था कि हमको इन एवरी फॉर्म 1 करोड़ रुपए रोज़ का नुकसान जो है वो हो रहा था। मंडी में भी यही स्थिति है, कांगड़ा में भी यही स्थिति है। रेट्स महंगे हो चुके हैं और पंजाब से जो है वो मिला है, उससे हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ये मान के चलो, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी हमारे को 50 लाख रुपीज़ पर डे का जो है वो नुकसान हमको हो रहा है।